आज हम लोग मौजूद हैं आगरा के पालीवाल पार्क पे, जहां काफ़ी संख्या में लोग सुबह टहलने आते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है। हम लोगों से चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर और इनके बीच में जाएंगे किस तरह के मुद्दे हैं, क्या सोचकर लोग वोटिंग करेंगे और आने वाली सरकार को से क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मैं सहयोग वार्ड का संयोजक हूँ। मैं इसको देख रेख कर रहा है, कम से कम 5 साल से कर रहा हूँ। इस बार चुनाव है, चुनाव को लेकर कितना उत्साह है और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव करेंगे? देखो, इस बार उत्साह तो कुछ नहीं है, पर है ना आदमी की जो मानसिकता है वो केवल है ना बीजेपी की है। अंदरूनी है ना बीजेपी को है ना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम है ना अदर कोई पार्टी दिख नहीं रही है और जो भी आएगा वो बीजेपी योगी और मोदी का है ना इस टाइम है ना थोड़ा सा लहर है ना चल रही है। क्या नाम है सर आपका? सतीश वासनी। चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह है, कितना परसेंटेज चुनाव रहने वाला है? ज़बरदस्त उत्साह है, 60 से 62% चुनाव का वो रहेगा परसेंटेज। और इसमें योगी जी का मेन योगदान है। योगी जी ने जो बूंदों का सफाया किया है उसमें जैसे लोगों का रुझान योगी जी और मोदी जी की तरफ है। केवल प्रत्याशी को हम नहीं देख रहे हैं, केवल योगी और मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। प्रत्याशी कैसा भी कोई दिक्कत नहीं है, पर योगी और मोदी का चेहरा चल रहा है। क्या सर आपका क्या नाम है? आरके जैन। जैन साहब, जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, भैया ने भी बताया योगी जी और मोदी जी को लेकर, परंतु विकास की बात की जाए तो आगरा में कितना विकास हुआ है? आगरा में विकास अभी आधा हुआ है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं? हम विकास विकास को नहीं देखते, हम तो राष्ट्र को देखते हैं। केवल जो राष्ट्र को मजबूत करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई पार्टी है। तो आने वाले टाइम में आप जाएंगे 7 तारीख को, EVM पे बटन दबाएंगे, साथ में पब्लिक को किस तरह से जागरूक करेंगे? हम तो राष्ट्र के लिए जागरूक करेंगे। हम तो उनसे ये कहेंगे जिनने राष्ट्र की रक्षा करी उसे वोट दो, जिनने राम मंदिर बनाया उसे वोट दो। 370 हटाई उनको है। क्या नाम है सर आप? विशाल वर्मा। विशाल जी, आप भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे या कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, बहुत कुछ है। मोदी जी अभी ने बहुत कुछ करा है देश के लिए, बाकी और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा 70 साल से। क्या करा है ना 10 साल में, वो करके दिखा दिया 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 10 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं करा, अभी 10 साल में इन लोगों ने करा। अभी जो इनका नारा है अब की बात 400 पार, इस बारे में क्या कहना है? मैं तो यही दुआ करूंगा कि भगवान करे इनकी 400 पार ही होनी चाहिए। और इस लाइक करे अभी ये काम इन्होंने 400 लाइक, कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बात हो रही है, 400 पार ही होनी चाहिए जिस तरीके से इन्होंने काम करे मोदी और योगी ने। जो जिस तरह से विपक्ष बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है उस बारे में क्या कहना है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी ये विपक्ष मुद्दा बना रहा है। बेरोजगारी है मानते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है, पहले भी थी ऐसी कोई बेरोजगारी आज ही है ना बेरोजगारी, इन दोनों के आने से उन्होंने रोजगार दिया नहीं, जब तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी आज थोड़े पैदा हो गई, हमारा तो एक ही नारा है भाई, बेरोजगारी आज थोड़े पैदा हो गई। कोई बात करेगा वो देश में राज करेगा, जो रामलला को लाए हैं हम उनको लाए, हमको हम उनको भी लाएंगे। मोदी योगी कमल निशान, बस और कुछ नहीं। मनोज कुमार मंत्री है, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं कितना उत्साह है, किन मुद्दों को लेकर आप तैयार? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। और योगी हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, उन्होंने बहुत काम किए हिंदुओं के लिए, बहुत काम किए सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया सिवाय बगलात किया है, सिवाय हमको गफलत में रखा गया है। आज जो बात खुल के आती है तो समझ में आता है कि हम लोग कहाँ बैठे हुए थे, हमने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा आज तक। हम लोग इनकी बातों में मानते रहे और उनको वोट देते रहे, आज जब हमारे सामने कोई बात खुल के आई है और समझ में आने लगी ये बातें, तो अब लगने लगा कि हमें हिंदुओं की बात करनी चाहिए और राष्ट्र की इतनी बात करनी चाहिए। और राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, और राष्ट्र ही नहीं है तो हम क्या रहेंगे। मैडम, 7 जनवरी को 7 मई में यहाँ चुनाव होना है, तो उसमें लेकर आपके क्या मुद्दे हैं, किस तरह से आप चुनाव करेंगे जाएंगी और कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? हम तो निश्चित मोदी को ही वोट देंगे, उन्हीं ने किया है और वो करते रहेंगे हम सबके लिए। और सब लोग को करना चाहिए, किसी को अपना मत छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जिसे देना है वोट दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? सबको रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, और ऐसे हमें फील होता है कि मोदी जी सब कर रहे हैं हम लोग के लिए।
और गरीबों के लिए खासकर तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैम इस बार चुनाव हो रहे हैं 7 तारीख को आगरा में, तो किस तरह का माहौल है और कितना उत्साह है लोगों में? उत्साह तो काफ़ी है, ये 7 तारीख के चुनाव है और ये मोदी ही जीतने हैं और क्या होना है। मोदी जी ही आ रहे हैं दोबारा से, तो विपक्ष को आप कहीं पे भी नहीं मानते हैं? नहीं, विपक्ष को नहीं मानते, विपक्ष कहीं चक्कर में नहीं है? नहीं है, चक्कर में ही नहीं है, हर बार की बात है, बीजेपी ही जीतनी है, बीजेपी ही जीतनी है। क्या नाम है आपका? सुनीता जैन। जैन जिस तरह से 7 तारीख को चुनाव हो रहे हैं, कितना आपको में उत्साह है और किस तरह से आप चुनाव में जाएंगे? सही उत्साह है बिल्कुल, चुनाव 7 तारीख को वोट देने जाएंगे, अपनी फैमिली से भी कहेंगे भाई चलो मोदी जी को जिताएंगे। ये राय थी कि मोदी जी को जिताएंगे, लगभग सभी लोगों का मानना यही है कि इस बार दोबारा से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। कहा गया बोल तो कितना उत्साह है लोगों में, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव करेंगे? ऐसा कोई उत्साह नहीं है पब्लिक में, पब्लिक पर मतलब का जो भीड़ चाल है वो चलती है, जब रास्ते मतलब का चली जाती है और सब आते हैं अपने अपने कहते हैं, पीछे कोई आता नहीं है समाज सेवा करने के लिए, है ना, कभी किसी के दर्शन होते हैं, वोटों के टाइम पे याद आती है सबको और वोट निकल जाते हैं, फिर पब्लिक मतलब का उल्लू बन करके देखती रहती है कि वो आएगा देखेगा हमारी सुध लेगा हमारी फैसिलिटी देगा। आज तक तो कोई फैसिलिटी कोई किसी प्रकार की मिली नहीं है मैं भैया, और व्यापारी जो है हर वर्ग का चोर कहलाता है कि नहीं, इसको सबसे बड़ा धक्का तो इसी बात का है कि मतलब कि वो टैक्स देते हुए भी वो चोर कहलाता है, इससे ज़्यादा क्या बताऊँगा, उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई इलाज की फैसिलिटी है ना कोई और बात की है, नेता अपने सब अपने अपने मतलब में मतलब का व्यस्त रहते हैं, ना किसी की सुनते हैं, मनिया जो है वो अपने मतलब वोट दे करके और बेचारा घर बैठ जाता है, दिन भर और उसका ख़राब होता है, दुकान व्यापार पूरा बंद रहता है उसका। सांसद जी के कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है, हम कोई ना किसी ने कुछ किया ना कोई हमारे सुनने वाला है और ना कोई सुनेगा आगे। तो है, इस बार आप किसको वोट देंगे? हम तो भैया किसी को वोट देना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि सभी एक से हैं, हाँ नोटा का ही बटन दबाएंगे क्योंकि हम इस डेमोक्रेसी से ये हमारे समझ में नहीं आई देश की। मेरा नाम महेश वाधवानी है। इस बार 7 तारीख को चुनाव होने हैं जी, हाँ तो कितना उत्साह है लोगों में? हमारे क्षेत्र में तो बहुत उत्साह है, बीजेपी का पूरा गढ़ है और वोट देने के लिए बहुत उत्साहित हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत काम भी कर रहे हैं, वहाँ पर पर्ची वगैरह बांटने का काम है, आए दिन बैठकें हो रही हैं। आप क्या मानते हैं इस समय गर्मी बहुत चरम पे होगी, तो गर्मी कितना प्रभावित करेगी मतदान को? गर्मी में अब थोड़ा बहुत तो असर आता ही है, लेकिन फिर भी पब्लिक से अपील की जा रही है कि सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी मतदान करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, ये पब्लिक को संदेश दिया जा रहा है। 7 तारीख को चुनाव होने हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप सोचते हैं जो आपके दिमाग में हैं तो उसको लेकर मतदान करना है? मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन जो है मतदान तो करना है, मतदान तो सबसे पहले करना है, उसके बाद जो मुद्दे का काम है वो मुद्दे का दिखाएगा, मतदान सबसे पहले। विकास को लेकर आप कितना सोचते हैं? विकास बहुत अच्छा हुआ है राज्य में और अच्छा ही हो रहा है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। आप उससे काफ़ी संतुष्ट हैं? ये भी काफ़ी संतुष्ट हैं विकास को लेकर भी, और इनका भी मानना ये है कि आने वाले टाइम में मोदी योगी की दोबारा से जोड़ी आ सकती है। क्या नाम है बाबूजी आपका? बाबूजी कुछ बोलना नहीं चाहते इस टॉपिक पे। 7 तारीख को यहाँ चुनाव होने आगरा में जी है, तो कितना उत्साहित है आपका चुनाव? नहीं नहीं, चुनाव में उत्साह है और जो लोगों को जो खुद देख रहे हैं कि कितना काम हो रहा है, कितनी उन्नति हो रही है और क्या हो रहा है, उस सबको देखते हुए लोगों में खूब उत्साह बना हुआ है और मेरे समझ में तो बीजेपी को बहुत अच्छा मिल रहा है और लोग बिल्कुल वोट देने जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी की वजह से 10% क्या लोग बाग ना जाए लेकिन बीजेपी की वोट। आप क्या आह्वान करेंगे लोगों से मतदान? मैं आह्वान यही करूँगा कि भैया देखो बड़ा सीधी सी चीज़ है कि एक चीज़ आप देखो कि आपके सामने ऐसी कौन सी पार्टी है जो कि मैं आगे आके देश के लिए कुछ कर सकूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमारे मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है और जब डेवलपमेंट हो रहा है कुछ भी होता है तो लोगों को तकलीफ भी होती है, मैं मानता हूँ खुद एडवाइज हर परेशानी को मैं लोगों से जानता हूँ, नीचे से लेकर
मेरी जिले के इसलिए सिवाय मोदी के कोई अल्टरनेटिव नहीं है और मैं समझता हूँ कि 101% बिल्कुल निष्पक्ष मोदी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। जिस तरह से विपक्ष मुद्दा बना रहा है बेरोजगारी का, महंगाई का, ये कितना इफेक्ट करेगा इस पर चुनाव? देखिए ऐसा है, मैं मानता हूँ ठीक है बेरोजगारी पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाया है, लेकिन ये कहना है कि कंट्रोल नहीं हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है आप देख लीजिए, हर चीज़ में आप देख लीजिए, लेबरों को काम मिला है, सबों को काम मिला है, सब अपना कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ लोग चला रहे हैं, व्यापारी वक्त चलाता है, सब बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सब अपने खुश हैं और सबों को अपना रोजगार मिला हुआ है और कोई और अगर है तो वो अगले सालों में आकर के ये बीजेपी गवर्नमेंट भी कर। आगामी 7 तारीख को आगरा में लोकसभा के चुनाव है, इसे लेके जनता में कितना उत्साह है, किस तरह के मुद्दे में, किन मुद्दों पे आप जाएंगे और किस तरह के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे? चुनाव का माहौल तो बहुत गर्माया हुआ है, हमारे दोनों प्रत्याशी मैदान में धमाधार उतरे हुए हैं, हमारे फौजी बाबा फतेहपुर सीकरी से जीत रहे हैं और यहाँ पर हमारे सुरेश चंद कदम जी समझदारी से प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे कई मुद्दे हैं, पिछली सरकार ने ना तो रोजगार से मिला है, ना शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, ना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, इन मुद्दों को देते हुए हमारे उतरे हुए हैं और हमारी अगर सरकार, अगर गठबंधन सरकार इंडिया सरकार बनती है तो इन मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा, इसका समाधान। कितना आप मानते हैं कि गर्मी कितना इफेक्ट करेगी इस वक्त? गर्मी से ज़्यादा चुनाव की गर्मी है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, लोग वक्त से ही अपना वोट डाल देंगे और हम लोग लगे रहेंगे फिल्म में हाथ में निकाल निकाल के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने की कोशिश करेंगे, अच्छा एक बंदा चुना जाए। विकास के मुद्दे पर आप जो मौजूदा सांसद हैं, कितना विकास आगरा में हुआ इस बारे में? विकास तो हमें दूर दूर नज़र नहीं आया है, हमारे सांसद जी नेक हैं, अच्छे हैं, परंतु विकास देखने को उन्होंने नहीं मिला है, हमें देखना होगा सरकार में जो हमारे राज्य के अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने जो मेट्रो और मेट्रो बनाई नहीं है, बहुत आनंद किया है, बाकी और विकास नहीं नजर आता, आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग में भी यही हालत है, आपके ऐसे बोलते हैं बीमारियों का ये बुरा हाल है, ओपीडी ये बुरी हाल है, पर्चियों की लाइन लगी हुई है, वहाँ जो बीमार हो पहले से बीमार है बेचारे, वो पर्चियों के चक्कर में लाइन में लगकर और बीमार पड़ रहे हैं, गर्मी में पड़ रहे हैं। युवा मतदाता कितना पार्टिसिपेट करेगा, कितनी परसेंट की भागीदारी इस बार है? युवा इस बार बढ़ चढ़ के साथ देगा और चुनाव में भी पूरा सहयोग करेगा, युवा इस समय जागरूक है और वो चाहता है कि इसका बदलाव हो आगे। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें की संभावना है आपको, कितनी सीटें यहाँ तक की कितनी हुई है? इंडिया गठबंधन का हमारा जो यूपी में 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से हमारी 80 सीटें हैं, तो 80 सीटों में से भी गठबंधन की जो कांग्रेस गठबंधन है, आपसे है और समाजवादी पार्टी के हैं, उनके हम सब मान लीजिए 80 सीटें वो आ जाए। हमारे साथ अब तो जिनसे हमने बात करी उनका भी मानना ये था कि इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन राजू स्वामी के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ आगरा उत्तर प्रदेश। आज हम लोग मौजूद हैं आगरा के पालीवाल पार्क पे, जहां काफ़ी संख्या में लोग सुबह टहलने आते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है। हम लोगों से चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर और इनके बीच में जाएंगे, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या सोचकर लोग वोटिंग करेंगे और आने वाली सरकार को से क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता है, मैं सहयोग वार्ड का संयोजक हूँ, मैं इसको देख रेख कर रहा कम से कम 5 साल से कर रहा हूँ। इस बार चुनाव है, चुनाव को लेकर कितना उत्साह है और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव करेंगे? देखो इस बार उत्साह तो कुछ नहीं है, पर है ना आदमी की जो मानसिकता है वो केवल है ना बीजेपी की है, अंदरूनी है ना बीजेपी को है ना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम है ना अदर कोई पार्टी दिख नहीं रही है और जो भी आएगा वो बीजेपी योगी और मोदी का है ना इस टाइम है ना थोड़ा सा लहर है ना चल रही है। क्या नाम है सर आपका? प्रदेश वासनी। चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह है, कितना परसेंटेज चुनाव रहने वाला है? ज़बरदस्त उत्साह, 60-62% चुनाव का हो रहेगा परसेंटेज और इसमें योगी जी का मेन योगदान है, योगी जी ने जो बूंदों का सफाया किया है उसमें जैसे लोगों का रुझान योगी जी और मोदी जी की तरफ है, केवल प्रत्याशी को हम नहीं देख रहे हैं, केवल योगी और मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है, प्रत्याशी कैसा भी
कोई दिक्कत नहीं है, पर योगी और मोदी का चेहरा चल रहा है आपका क्या सर? आपका क्या नाम है? आर के जैन। जैन साहब, जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, भैया ने भी बताया योगी जी और मोदी जी को लेकर, परंतु विकास की बात की जाए तो आगरा में कितना विकास हुआ है सर? आगरा में विकास अभी आधा हुआ है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं? हम विकास विकास को नहीं देखते, हम तो राष्ट्र को देखते हैं केवल। जो राष्ट्र को मजबूत करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई पार्टी। तो आने वाले टाइम में आप जाएंगे 7 तारीख को, EVM पे बटन दबाएंगे, साथ में पब्लिक को किस तरह से जागरूक करेंगे? हम तो राष्ट्र के लिए जागरूक करेंगे। हम तो उनसे कहेंगे जिनने राष्ट्र की रक्षा करी उसे वोट दो, जिनने राम मंदिर बनाया उसे वोट दो। 370 हटाई उनको क्या नाम है सर? आप विशाल वर्मा। विशाल जी, आप भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे या कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, बहुत कुछ है, मोदी जी अभी ने बहुत कुछ करा है देश के लिए, बाकी और कांग्रेस ने कुछ नहीं करा 70 साल से। क्या करा है उन्होंने? 10 साल में वो करके दिखा दिया, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 10 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं करा, अभी 10 साल में इन लोगों ने करा। अभी जो इनका नारा है अब की बात 400 पार, इस बारे में क्या कहना है? मैं तो यही दुआ करूंगा कि भगवान करे इनकी 400 पार ही होनी चाहिए, और इस लायक करे अभी ये काम इन्होंने 400 लायक, कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बात हो रही है, 400 पार ही होनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने काम करे मोदी और योगी। जो जिस तरह से विपक्ष बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है, उस बारे में क्या कहते हैं? बेरोजगारी है लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी ये विपक्ष मुद्दा बना रहा है। बेरोजगारी है ये मानते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है, पहले भी थी ऐसी कोई आई है ना बेरोजगारी इन दोनों।